तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल। इसके लिए हमें चाहिए दाल 2 कटोरी, जो हमने धो के साफ़ कर ली है। हमें चाहिए प्याज और लहसुन कटे हुए, ये हरा धनिया गार्निश के लिए, ये 1 चम्मच जीरा, ये 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च, ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट 1 छोटी कटोरी, ये हमारे पास है किचन किंग 1.5 चम्मच के करीब, ये हमारे पास धनिया 1 चम्मच, ये नमक 1.5 चम्मच, ये हमारे पास हल्दी 1 चम्मच, ये हमारे पास लाल मिर्च 2 चम्मच, और ये हमारे पास जीरा 1 चम्मच, और ये हींग हमारे पास थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम दाल बनाना। हम बनाना स्टार्ट करते हैं दाल। इसके लिए हमने एक कुकर ले लिया है और उसमें हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, ये हमने इसमें हींग डाल दिया। हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, ये हमने जीरा डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे प्याज और लहसुन कटे हुए। देखिए मसालों डाल दिया है, प्याज और लहसुन भी। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला भून गया। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट 1 छोटी कटोरी। इसको ढंग से चला देंगे। हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, इसको भी चला देंगे ताकि अच्छे से भून जाए। अब हम डालेंगे नमक 1.5 चम्मच, या आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, हम डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, हम डालेंगे धनिया 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी डालेंगे, किचन किंग 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब ऐसे हम सबको मिक्स कर दिया, हम इसको अच्छे से चला भी दिया है ताकि तब तक इतने ही भुनता है, तो थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट में ये भुन के तैयार हो जाएगा। हम इसके लिए थोड़ा इसकी लीड लगा देंगे, इसके ऊपर ढक देंगे ताकि ये 5 मिनट मसाला भुन के तैयार हो जाए। मैं इसको आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, अब हमारा ये मसाला भुन गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चला के देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। अब इसमें दाल डाल देंगे। हम इसमें दाल डाल देंगे। ये हमारी दाल है 2 कटोरी, जो हमने धो के साफ़ कर ली है। हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मसाले के साथ ताकि हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें पानी डालेंगे 3 गिलास।
पानी डाल दिया है, उसको चला के अच्छे से, और इसकी लीड लगा देंगे। लीड लगाओ तो मिक्स करके उसमें लीड लगा देंगे। लीड लगा दिया और दो सीटी आने देंगे इसमें हम। दो सीटी आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुकर में दो सीटी लग गई है। हम इसको अब खोल के देखेंगे हमारी दाल बनी है या नहीं। तो देखिए हमारी दाल ये बन के तैयार हो चुकी है। हम इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल कितनी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ हमारी दाल कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। इसके लिए हमने चावल लिया है 2.5 गिलास। ये हमारे पास है नमक 1.5 चम्मच, ये 4-5 लौंग और जीरा 1 चम्मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, ये हमने 1 चम्मच जीरा डाल लिया है। हम इसमें डालेंगे लौंग, ये हमने जीरा डाल दिया और लौंग डाल दिया। हम थोड़ी देर के इसको ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लौंग और जीरा भुन गया है। इसमें हम डालेंगे चावल। चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक और चावल को थोड़ा सा भुनने देंगे हम, ताकि हमारे चावल अच्छे से भुन जाए थोड़े से। अब इसमें डाल देंगे हम 1.5 चम्मच नमक। नमक को भी हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें डालेंगे पानी। ये हमारे 2.5 गिलास चावल हैं और इसमें हम पानी डालेंगे 5 गिलास। हम इसे 5 गिलास पानी डालते हैं। हम 1 गिलास में 2 गिलास पानी डालते हैं। 1 गिलास चावल हो तो उसमें हम 2 गिलास पानी डालते हैं, इसलिए हमने 2.5 गिलास चावल में 5 गिलास पानी डाला है। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो 15 मिनट बाद हमारे चावल बनके रेडी हो जाएंगे। मिनट बाद ही हमारे चावल बनके तैयार हो गए। हम इसको देख लेंगे अच्छे से बने हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चावल अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्के से
थोड़ा चला देंगे इसको ताकि हमारे चावल जो है अच्छे से, हमारे चावल जो है चिपके नहीं और एक ही अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमने चावल बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चावल बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चावल और दाल बनके तैयार हो चुके हैं और हमने जो है अब दाल चावल को सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दाल और चावल कितने अच्छे बने हैं। देखिए हमारी दाल बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है और हमारे चावल भी कितने अच्छे बनके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने कितने ईजी तरीके से दाल और चावल को बना लिया है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी है। और आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से दाल चावल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें।